हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मनोज प्रायर, आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो। और इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं वन प्लस नोट वर्सेस रेडमी के 20 वर्सेस रियलमी X3 के बारे में। जो वन प्लस नोट है दोस्तों, 25K के आसपास लॉन्च हुआ है, 6GB 64 वेरियंट, जो कि आपको 25K के आसपास मिलेगा, सेप्टेम्बर में अवेलेबल होगा। और इसका जो 8GB 128GB वर्सन, 28K एंड 12GB 256GB वर्सन आपको 30K के आसपास 4th अगस्त से मिल जाएगा। अभी हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले जो वन प्लस नॉट है और जो रेडमी का K20 एंड जो रियलमी X3 है, उसमें से कौन सा अच्छा है। सो यहाँ पर तीनों ही फोन आपको 25K के बजट के अंदर मिल जाएगी, बट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हमें मिल जाती है। यहाँ पर मैंने GSM Arena के भी वेब पेज, मतलब जो पेज है, उसे ओपन करके रखा है, एज वेल फ्लिपकार्ट Amazon वो भी ओपन करके मैंने रखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो फीचर्स है उसके बारे में, मतलब जो स्पेक्स है उसको मैंने ऑलरेडी PDF करके रखा है। सो बात कर लेते हैं यहाँ पर प्राइसिंग के हिसाब से। जो वन प्लस नॉट है, रियलमी X3 है एंड रेडमी K20 प्रो है, तीनों ही फोन दोस्तों 25K से उसका वेरियंट स्टार्ट होता है। बट द थिंग इज दैट वन प्लस नॉट के अंदर आपको 6GB 64GB मिलेगा, रेडमी K20 प्रो के अंदर आपको 6GB 128GB मिलेगा एंड X3 के अंदर भी आपको 6GB 128GB मिलेगा 25K के हिसाब से। जो वन प्लस नॉट है वो सिर्फ 6GB 64GB प्रोवाइड करता है, बट बाकी जो दोनों कंपनी है, रेडमी एंड रियलमी, आपको 6GB एंड 128GB का वेरियंट मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बट आपको वन प्लस नॉट के अंदर UFS 2.1D मिल जाती है, बट Realme X3 के अंदर आपको UFS 3.0 मिलता है। Redmi K20 Pro के अंदर आपको UFS 2.1 मिल जाती है। अगर प्रोसेसर की बात करूँ दोस्तों, वन प्लस नॉट के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 765 50G मिलता है, K20 Pro के अंदर स्नैपड्रैगन का 855 एंड Realme X3 के अंदर आपको 855 प्लस मिलता है। यहाँ पर प्रोसेसर के हिसाब से दोस्तों, जो Realme X3 है वो ज़्यादा अच्छा है एंड प्राइसिंग के हिसाब से एंड UFS 3.0 के हिसाब से भी Realme X3 ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बाकी बात कर लेते हैं यहाँ पर डिस्प्ले के बारे में। सो 6.44 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले हमें यहाँ पर मिल जाती है 90Hz के साथ वन प्लस नॉट के अंदर। Redmi K20 Pro के अंदर हमें मिलती है 6.39 इंच का फुल HD AMOLED 60Hz का पैनल, बट जो Realme का X3 है उसके अंदर हमें मिलता है 6.57 इंच का फुल HD IPS 120Hz का पैनल। हमें नॉट के अंदर एंड K20 Pro के अंदर AMOLED डिस्प्ले मिलता है, नॉट के अंदर 90Hz एंड K20 Pro के अंदर 60Hz, बट जो Realme X3 है इसके अंदर आपको 120Hz का तो डिस्प्ले मिलेगा, बट जो डिस्प्ले है उसको IPS है, AMOLED नहीं है। एंड Realme X3 का डिस्प्ले भी ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू बाकी दोनों फोन, बट यहाँ पर मैं दोस्तों AMOLED प्लस 90Hz में जाऊँगा। सो यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर जो वन प्लस है विनर विनर हो जाती है। एंड यहाँ पर आपको पंच होल नहीं मिलता है K20 Pro के अंदर, फुल डिस्प्ले मिल जाती है K20 Pro के अंदर, क्योंकि पॉप कैमरा में नहीं मिलता है। सो डिस्प्ले टोटली आपके ऊपर है कौन सा है, बट मैं दोस्तों जो नॉट का डिस्प्ले है 90Hz के साथ AMOLED उसे प्रेफर करूंगा। GPU की बात करूं, Adreno 620 मिलती है नॉट के अंदर, K20 Pro के अंदर 640 एंड X3 के अंदर भी 640 मिल जाती है। सो GPU के हिसाब से Realme X3 एंड K20 Pro ज़्यादा अच्छा है। कैमरा की अगर बात करूं दोस्तों, हमारा जो OnePlus Note है उसके अंदर 48 MP की कैमरा मिल जाती है एंड जो K20 Pro है उसके अंदर हमें 48 MP भी की कैमरा मिलती है एंड जो Realme X3 है उसके अंदर हमें 64 का मिलता है। सो कैमरा के हिसाब से दोस्तों आप देख लीजिए, 48+8+5+2 मिलती है नॉट के अंदर, K20 Pro के अंदर 48+8+13 मिल जाती है। सो यहाँ पर मेन बात कर ले दोस्तों, कैमरा के अंदर विनर कौन है। सो अगर मैं आपको बता दोस्तों, क्लियर कट यहाँ पर जो विनर है दोस्तों वन प्लस नॉट है, क्योंकि यहाँ पर हमें OIS मिल जाती है एंड फ्रंट कैमरा के अंदर आप 4K 60fps कर पाओगे। वन प्लस नॉट के अंदर आप दोस्तों बैक कैमरा के अंदर 4K 60fps को रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे। बट और एक चीज़ है दोस्तों, वन प्लस नॉट के अंदर आपको कोई भी टेलीफोटो लेंस नहीं मिलता है, इसलिए दोस्तों जो पोर्ट्रेट मोड है वो ऑफिशियल नहीं, सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, यहाँ पर कोई भी हार्डवेयर नहीं दिया गया है। सो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, वैसे गूगल कैमरा का यूज़ करना आपको बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर टेलीफोटो लेंस का जरूरत नहीं है, आपको बहुत ही बढ़िया पोर्ट्रेट मोड मिल जाएगी। सो कैमरा के अंदर क्लियर कट विनर है वन प्लस का नॉट, K20 Pro एंड X3 से ज़्यादा कैमरा अच्छा मिलेगा आपको वन प्लस नॉट के अंदर। बाकी अगर बात करूँ 3.5mm जैक की, तो नॉट के अंदर एंड X3 के अंदर हमें नहीं मिलता है, बट K20 Pro के अंदर हमें 3.5mm जैक मिल जाती है। एंड बैटरी लाइफ की बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर बैटरी आपको 4000 mAh की बैटरी
4000 mAh प्लस बैटरी तीनों ही डिवाइस के अंदर मिलती है, बट 30 वाट का चार्जर मिलता है X3 एंड नॉट के अंदर, 27 वाट का चार्जर मिलता है K20 प्रो के अंदर। सो अगर आप मुझसे पूछते हो कौन सा ज़्यादा अच्छा है, वन प्लस नॉट ना कि रेडमी K20 प्रो और रियलमी X3, सो मैं आपको एकदम क्लियर कट आंसर दूंगा दोस्तों, कोई भी घुमा को फिरा के कुछ भी नहीं बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना दोस्तों। जो वन प्लस नॉट है उसके अंदर सभी फीचर है, बट जो मिसिंग है वो है दोस्तों इसका GPU, जो 620 GPU है दोस्तों, इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है गेमिंग के अंदर एज कम्पेयर टू 640 जो कि आपको K20 प्रो एंड रियलमी X3 के अंदर मिलता है। जो 620 GPU है दोस्तों वो पबजी को स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग्स के अंदर बाय डिफॉल्ट नहीं प्ले कर पाता है, बट जो रियलमी K20 Pro है एंड रेडमी K20 Pro है एंड जो रियलमी X3 है दोस्तों वो काफ़ी अच्छे से स्मूथ एक्सट्रीम के अंदर बाय डिफॉल्ट पबजी को प्ले कर पाता है। सो यहाँ पर क्लियर कट आंसर है, अगर आप एक गेमर हो जो जो कि बहुत ज़्यादा पबजी खेलते हो दोस्तों, तो वन प्लस नॉट आपके लिए नहीं है। वन प्लस नॉट का जो मेन मोटिव है दोस्तों डिस्प्ले एंड कैमरा, अगर आपको अच्छा डिस्प्ले चाहिए, ऑक्सीजन वेस्ट चाहिए एंड कैमरा चाहिए तो वन प्लस नॉट खरीदो, बट अगर आपको गेमिंग करना है, पबजी को एक्सट्रीम सीरीज के अंदर खेलना है, स्मूथ एक्सट्रीम सीरीज के अंदर 60 FPS के अंदर खेलना है, तो सीधा खरीद लो रियलमी X3। मेरे हिसाब से रियलमी X3 भी काफ़ी अच्छा चॉइस हो सकता है, 120 Hz का पैनल है, 855+ मिल जाती है 25K के बजट के अंदर, 6 GB 128 GB का यहाँ पर हमें रैम मिलती है एंड UFS 3.0 भी मिल जाती है। सो रियलमी X3 काफ़ी अच्छा चॉइस हो सकता है एज कम्पेयर टू वन प्लस नॉट। अगर आप हार्डकोर गेमर हो रियलमी X3 खरीद लो, बट अगर आप एक ओवरऑल पैकेज चाहते हो तो वन प्लस नॉट भी काफ़ी अच्छा प्राइस हो सकती है। इसका जो 6GB 64 वेरियंट है वो मत खरीदना, बट जो 28 वाला वेरियंट है 6GB 128 GB जिसका प्राइस है 28K वो खरीद लो, काफ़ी वैल्यू ऑफ मनी।